नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक फार्मिंग ब्लॉग में। किसान भाइयों, हमारी यह कलौंजी लगभग 90 दिन की होने की आई है और आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया खड़ी है फिलहाल। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कलौंजी की फसल जब 90 दिन की होने की आती है तो हमें क्या क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं अब मेन मुद्दे पर। किसान भाइयों, पहले तो बहुत ही कम लोग कलौंजी की खेती करते थे, लेकिन अब थोड़ा पानी अच्छा गिरने के बाद काफ़ी किसान कलौंजी की खेती करने लग गए हैं, और जो कि काफ़ी बढ़िया एक औषधि फसल होती है और इसका मार्केट में भाव भी काफ़ी अच्छा रहने लगा है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इस फसल के बारे में। तो किसान भाइयों, कहीं पर किसान काफ़ी टाइम से कलौंजी की खेती कर रहे होते हैं तो उनको तो काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, लेकिन नए किसान भाई अक्सर गलती कर लेते हैं। तो किसान भाई क्या करते हैं कि उनको नॉलेज कम होता है और कई बार उनका उत्पादन भी कम ही हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में अगर अपन को नॉलेज नहीं है तो उत्पादन उसका कम ही होगा। तो किसान भाइयों, जैसे कि गर्मी का मौसम चालू हो गया है, तो किसान भाई पे सबसे पहले ध्यान तो ये रखे कि अपने खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखे, क्योंकि इस टाइम किसान भाइयों अपने कलौंजी की फसल में नमी की बहुत ज़रूरत होती है, और इसकी जड़ें अपने सर के बाल के जैसे होती है, जो कि अगर इसमें नमी नहीं होगी तो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो किसान भाई यह बात विशेष ध्यान रखे। तो किसान भाई अपने खेत में समय समय पर सिंचाई करते रहे, लगभग 8 से 10 दिन के अंदर किसान भाई सिंचाई ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, ये हमारी खुद की फसल है और ये लगभग 3 महीने की होने की आई है, और आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कर रही है। इसमें कलौंजी की फसल बोई थी जो कि हमें 4 क्विंटल प्रति बीघे का उत्पादन देखने को मिला, और मार्केट में अगर हम इसकी भाव की बात करें तो हम ये 25,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से हमें हमारी ये कलौंजी बिकी थी। तो आप देख सकते हैं 1 बीघा में हमने 1 लाख का मुनाफा हमने कमाया था। तो ये काफ़ी बढ़िया खेती है किसान भाइयों, इसमें हमें पानी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये किसान भाई आप ज़रूर ध्यान रखें। और बीच बीच में इसमें ज़्यादातर बीमारी की अगर बात करें तो इसमें फंगस और जड़ गलन की समस्या होती है, जिसमें ये उनके पूरी फसल मतलब खड़े गोड़ ही सूख जाते हैं। तो किसान भाई इसका विशेष ध्यान रखें। आप देख सकते हैं इसमें फूलों का टाइम अभी चल रहा है, और किसान भाइयों हमने सिर्फ इसमें 1 बार यूरिया का प्रयोग किया था और 1 बार हमने यूरिया की जो बोतल आती है उसका हमने स्प्रे किया था, और आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कर रखी है। इसका भी हमें उत्पादन पिछले साल की तुलना में फिलहाल तो हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, ये 4 क्विंटल प्रति बीघा की तो हम आसानी से इसकी ले लेंगे, और इसकी वीडियो हम इसका जो हार्वेस्टिंग का कार्य और कटाई का कार्य करेंगे तो हम इस पर ज़रूर डालेंगे चैनल पर। तो आप चैनल पर निरंतर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।